दोस्तों क्या होगा यदि हम इंडिया, चाइना और पाकिस्तान में बने नोट की गड्डियों को हाइड्रोलिक प्रेस के नीचे रख देंगे। दोस्तों वैसे तो हम सभी जानते हैं कि हाइड्रोलिक प्रेस कितना ज्यादा पावरफुल होता है, वह अपने नीचे आने वाले हर एक चीज का कुचुम्बर बना देता है। लेकिन इंडिया, चाइना और पाकिस्तान में से किस देश की नोट की गड्डी हाइड्रोलिक प्रेस के ज्यादा से ज्यादा भार को थाम सकता है? चलिए सबसे पहले हम अमेरिका में बने नोट की गड्डियों को हाइड्रोलिक प्रेस के नीचे रख देते हैं। और दोस्तों जैसे ही हाइड्रोलिक प्रेस का वजन अमेरिकी डॉलर पर पड़ता है तो ये गड्डी दबने लगती है और लगभग 7 से 8 टन का वजन पड़ते ही हाइड्रोलिक पूरी तरह से इस नोट को बीच में से ही फाड़ देता है। चलिए पाकिस्तान के नोट की गड्डियों को हाइड्रोलिक प्रेस के नीचे रख देते हैं। दोस्तों हालांकि इससे मुझे ज्यादा तो उम्मीद नहीं है, लेकिन इस बार पाकिस्तान के करेंसी ने लगभग 11 टन का वजन सहन कर लिया। चलिए अब हम अपने प्यारे देश इंडिया के नोट की गड्डियों को हाइड्रोलिक प्रेस के नीचे रख देते हैं। उससे पहले इंडिया वाले लाइक कर देंगे और अदर कंट्री वाले कमेंट कर देंगे। दोस्तों इंडियन करेंसी ने तो हाइड्रोलिक प्रेस की भी चड्डी फाड़ दी और लगभग पूरे 20 टन का वजन सहन